Now let us see example number 45, which is related to the combination of lenses only. अब एक चीज और, जब combination of lenses होता है, तो हमको ये नहीं पता होता कि divergent बनेगा, net उसका result क्या रहेगा, divergent रहेगा या convergent रहेगा या फिर plane बन जाएगा. तो वो भी क्या होता है, जब focal length, जो हमारी net focal length आएगी, उसकी वजह से मतलब इसका जो साइन है अगर पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा वो ही शो कर देता है कि ये डाइवर्जेंट लेंस है या कन्वर्जेंट लेंस है. ठीक है, नाउ लेट अस सी एन एग्जांपल. इसके अंदर क्या है कि एक दो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस थे, एक ये वन ठीक है एंड एक और ये थ्री, और इनके बीच में हमने पानी भर दिया और इन दोनों का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये ग्लास था, दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है और बीच का जो म्यू है दिस इज 4.4/3. एक कॉन्वेक्स साइड का रेडियस है 30, एक का है 20. नाउ वी हैव टू फाइंड द नेट फोकल लेंथ. ठीक है, तो 1 अपॉन f इस टोटल की क्या गिवन होती है, 1 अपॉन f1 प्लस 1 अपॉन f2 प्लस 1 अपॉन f3. अब यहां पे पानी भर दिया इसलिए ये भी एक लेंस की तरह काम करेगा, अगर एयर होती तब भी ये ऐसे ही काम करता, तब भी हम यही लेते. तो अब अगर मैं इन तीनों का अलग-अलग फोकल लेंथ निकालूं तो फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन f1 विल बी गिवन बाय म्यू माइनस 1 इनटू 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2. ठीक है, अब एक चीज, क्योंकि ये तीनों को मैंने अलग अलग फोकल लेंथ कैलकुलेट करी है तो मैं मानूंगा कि सिर्फ जब मैं सेकंड की कैलकुलेट करूंगा तो मैं मानूंगा सिर्फ सेकंड है और उसके आसपास एयर है. ठीक है ना, आई वोंट बी टेकिंग कि मैं फर्स्ट से टू में आ रहा है तो दैट मींस कि इसका म्यू अलग होगा. ठीक है ना, तो उस केस में क्या होगा, बस टू का म्यू लेंगे, इट विल नॉट बी म्यू रिलेटिव ऑफ म्यू टू एंड म्यू वन. ठीक है, तो यहां पे म्यू क्या आएगा, फर्स्ट का 1.5 माइनस 1 इनटू 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2. r1 क्या है, r1 इज इंफिनिटी. ठीक है, एंड r2 इज प्लस 20, सो इंफिनिटी माइनस ऑफ 1 अपॉन 20, सो दिस विल बी माइनस 1 अपॉन 40, दिस इज 1 अपॉन f1, राइट. सिमिलरली अगर मैं इसका कैलकुलेट करूं, 1 अपॉन f2 क्या होगा, 1 अपॉन f2 विल बी म्यू क्या है इसका, दिस इज 4/3 माइनस 1 इंटू 1 अपॉन r1 क्या है, दिस इज पॉजिटिव 20 माइनस r क्या है, माइनस 30, माइनस ऑफ यहां पे प्लस आ जाएगा 1 अपॉन 30. ठीक है, सो दिस कम्स आउट टू बी, दिस कम्स आउट टू बी 5/180. सिमिलरली अब मैं थर्ड वाला कैलकुलेट करूं तो क्या आएगा, 1 अपॉन f3 इज इक्वल्स टू 1.5 माइनस 1 इंटू 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2. r1 क्या हो गया, माइनस 30, माइनस ऑफ 1 अपॉन 30 प्लस इंफिनिटी, या सॉरी 0. ठीक है, सो 1 अपॉन f3 विल कम आउट टू बी माइनस ऑफ 1 अपॉन 60. तो इनको मैं ऐड कर दूंगा तो मेरा नेट रिजल्टेंट आ जाएगा, यानी 1 अपॉन f दिस विल बी माइनस 1 अपॉन 40 प्लस 5/180 माइनस 1 अपॉन 60. ठीक है ना, तो मैं ये अगर कैलकुलेट आराम से कर सकता हूं, सो द आंसर विल कम आउट टू बी f विल बी इक्वल्स टू माइनस 72 सेंटीमीटर. ठीक है, दैट मींस कि फोकस, इसका फोकल लेंथ जो है नेगेटिव साइड होगी, सो दैट मींस इट विल बी बिहेविंग एज अ डाइवर्जेंट लेंस. ठीक है, इट विल नॉट बी बिहेविंग एज अ कन्वर्जेंट लेंस, इट विल बी बिहेविंग एज अ डाइवर्जेंट लेंस. लेट अस सी एग्जांपल नंबर 47 के अंदर जो क्वेश्चन एग्जांपल है आपकी बुकलेट में एक अलग तरीके से करा हुआ है. मैं यहाँ पे आपको एक शॉर्टकट मेथड बताता हूँ, मतलब शॉर्टकट क्या है आपको भी समझ में आ जाना चाहिए और आप खुद एनालाइज करें. तो एक कन्वर्जेंट लेंस है जिसका फोकल, जिसकी फोकल लेंथ है f1, एक डाइवर्जेंट लेंस है जिसकी फोकल लेंथ है f2 और इनके बीच में डिस्टेंस d है. ठीक है, नाउ इन्होंने पूछा है कि अगर कन्वर्जेंट लेंस के ऊपर रेज पड़े विच आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस तो इनके बीच में कितना डिस्टेंस होना चाहिए सो दैट जो इमर्ज हो रही है रेज फाइनली कन्वर्जेंट लेंस से भी डाइवर्जेंट लेंस से भी रिफ्रैक्ट होकर तो वो भी पैरेलल हो जाए. तो उस केस में क्या होता है कि जो यानी एक तरह से अगर मैं इसको कॉम्बिनेशन लूँ, इन दोनों के कॉम्बिनेशन लूँ, तो ऐसा कब होता है कि अगर एक लेंस है उसके अंदर से रेज निकल रही हैं वो पैरेलल की पैरेलल चली जाएं, वो कब होता है, जब एफ जो है इट बिकम्स इनफाइनाइट.
ठीक है ना, ये तब होता है जब f becomes infinite, यानी जो पावर होती है, पावर ऑफ द लेंस बिकम जीरो, ठीक है ना। ये हमने देखा था कि जो हमारे सन गॉगल्स होते हैं उनकी पावर जीरो होती है, यानी जो भी रेज उसके अंदर से आती है कोई ना तो उनके अंदर कन्वर्जेंस होता है ना डाइवर्जेंस होता है, वो ऐसी की ऐसी पास हो जाती हैं। सो दैट मीन्स एफ शुड बी इनफाइनाइट। और जब जो दो लेंस होते हैं अगर वो डी डिस्टेंस उनके बीच में होता है तो उस केस में 1 अपॉन एफ क्या होता है, इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ 1 प्लस 1 अपॉन एफ 2 माइनस डी अपॉन एफ 1 एफ 2, ये होता है। इज दिस करेक्ट, ठीक है ना। अब एक चीज, इसकी तो फोकस है इट इज ऑन दिस साइड, यानी कन्वर्जन लेंस की जो फोकस होती है इट इज एफ 1, डाइवर्जेंट लेंस की जो फोकस होगी दैट विल बी माइनस एफ 2, ठीक है ना। तो अब अगर मैं इसको जीरो पुट कर दूं, क्योंकि f इनफाइनाइट है सो दिस शुड बी जीरो, दैट मींस कि 1 अपॉन f1, अब f2 इज माइनस माइनस 1 अपॉन f2, दिस विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ d अपॉन f1 f2। ये माइनस क्यों है, बिकॉज f2 इज माइनस, ठीक है। तो दिस कम्स आउट टू बी f2 माइनस f1 विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ d, इट मींस d शुड बी इक्वल टू f1 माइनस f2, इतना डिस्टेंस होना चाहिए। तो ये एक शॉर्टकट मेथड था, प्रॉपर जो लंबा वाला मेथड था उससे भी आप सॉल्व कर सकते हैं, बिकॉज इट इज वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाता है, ठीक है, उसमें कोई भी गलती का चांस नहीं है। अब कभी कभार ऐसा होगा कि आपको डर लग रहा होगा कि मैं ये लगाऊं या ना लगाऊं, बट इसको आप कहीं पे भी लगा सकते हैं, ठीक है। अगर डिस्टेंस डी है, दो लेंसेज हैं तो उनके बीच में कभी भी आराम से लगा सकते हैं और आपका सेम आंसर आ जाएगा। इससे पहले वाला एग्जांपल नंबर 46, वो भी बहुत अच्छा एग्जांपल है, वो मैंने जान के क्लास में नहीं कराया बिकॉज इट इज बेटर कि आप उसको खुद ट्राई करें, इट इज ऑल्सो वेरी गुड एग्जाम्पल, ठीक है। लेट इज सी एन वेरी गुड एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 50 ऑफ योर बुकलेट। इसके अंदर क्या है कि दो कन्वर्जन लेंसेज हैं जिनकी फोकल लेंथ एफ वन और एफ टू है, ठीक है। और ये जो है फर्स्ट जो हमारा लेंस है, ठीक है, उसकी एक एक्सिस है और इसका जो सेंटर है दिस इज टेकन एज द कोऑर्डिनेट ओरिजिन, यानी 0,0 इसको हम मान लेते हैं, ठीक है। अब क्या करा, ये जो लेंस था ये हमने डी डिस्टेंस स्पेस से प्लेस करा, ठीक है, बट क्या करा, इसकी जो पैरेलल एक्सिस है उसको हमने डेल्टा डिस्टेंस एक्स एक्सिस से ऊपर शिफ्ट कर दिया, ठीक है, मतलब ऐसे पड़ा हुआ है। नाउ वी हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फाइनल इमेज व्हिच विल बी फॉर्म्ड इफ द रेज आर इंसिडेंट पैरेलली फ्रॉम द लेफ्ट साइड, ठीक है। तो मतलब देखने में थोड़ा डर लग रहा होगा, बट लेट अस सी हाउ, मतलब वही है कि हम फॉर्मूले से चलते हैं। फॉर्मूला क्या कहता है, अगर इन्फिनिटी से आ रही है दैट मीन्स कि ये इसके फोकस पे मिलेगा, यहां से एफ वन डिस्टेंस पे मिलेगा, ठीक है। नाउ दिस विल बी एंड दिस विल बी एन ऑब्जेक्ट फॉर दिस लेंस, यानी ये डिस्टेंस कितना हुआ, u कितना हुआ, d माइनस f1, u फॉर दिस लेंस इज d माइनस f1 माइनस ऑफ इनफैक्ट d माइनस f1, राइट। सो v विल बी क्वेश्चन मार्क, v हमको फाइंड आउट करना है, f इज f2 प्लस f2, ठीक है। तो वही हम यूज करेंगे, 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इज इक्वल टू 1 अपॉन f2, या फिर 1 अपॉन v क्या आएगा हमारा, 1 अपॉन f2 माइनस 1 अपॉन d माइनस f1, दैट मींस कि v विल कम आउट टू बी f2 इनटू d माइनस f1 अपॉन d माइनस ऑफ f1 प्लस f2, ठीक है। ये हम आ गई, हमारी आ गई फाइनल पोजीशन, ठीक है, ऑफ द इमेज, यानी ये क्या हुआ, ये इतना डिस्टेंस हुआ, और इसका यानी इसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा, x विल बी d प्लस v, ठीक है ना। ओरिजिन से कितना डिस्टेंस होगा, x इज इक्वल टू d प्लस v, सो दिस विल बी d प्लस ऑफ f2 इनटू d माइनस f1 अपॉन d माइनस f1 प्लस f2। सो ये वाला पार्ट तो काफी सिंपल था। नाउ वी हैव टू आल्सो कैलकुलेट, क्योंकि कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट करने हैं तो y डिस्टेंस भी कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। नाउ अब इस लेंस के लिए, इस इमेज की लेंथ कितनी हो गई, ये लेंथ हो गई, ये जो ऑब्जेक्ट हुआ यानी इस लेंस के लिए ये एक ऑब्जेक्ट हुआ जिसकी लेंथ कितनी हो गई, डेल्टा, ठीक है ना। सो दिस विल बी डेल्टा फॉर दिस लेंस, तो दैट मींस कि मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हमको पता है, I अपॉन O, दिस इज इक्वल टू यू बाय वी, सॉरी दिस विल बी वी बाय यू, ठीक है। इमेज जो है उसका हमको कैलकुलेट करना है कि कितना
डिस्टेंस है. सो और ऑब्जेक्ट हमको पता है डेल्टा है, एंड वी हमको पता है वी कम्स आउट टू बी दिस मच, और यू भी हमको पता है विच इज डी माइनस एफ वन. ठीक है, तो मैं आई लिख सकता हूं डेल्टा इंटू वी अपॉन यू. वी क्या है एफ टू इंटू डी माइनस एफ वन अपॉन डी माइनस एफ वन प्लस एफ टू. ठीक है, अपॉन यू, यू क्या था डी माइनस एफ वन. यानी माइनस ऑफ, ये था माइनस ऑफ डी माइनस एफ वन. ठीक है, सो दिस कम्स आउट टू बी, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, सो दिस विल बी डेल्टा एफ टू अपॉन एफ वन प्लस एफ टू माइनस ऑफ डी. ठीक है, तो इतनी ऑब्जेक्ट की इमेज होगी. अब क्योंकि ये ऐसी बनी है, यानी यहां पर तो क्या है इसके लिए इन्वर्टेड है, ऑलराइट, तो यहां पर क्या बनेगी ऊपर की डायरेक्शन में इस टाइप की इमेज बनेगी. तो दैट मींस कि इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, दैट विल बी डेल्टा प्लस दिस थिंग प्लस ऑफ डेल्टा, सो दिस विल बी द वाई कोऑर्डिनेट. लेट अस स्टार्ट.